काफी वीडियो में बताया था कि स्प्लेंडर BS6 जो गाड़ी लॉन्च करी है अभी अभी दिल्ली में भी नहीं आई है अभी देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से, बट उस गाड़ी के मीटर देखो, ये रहे डिजिटल मीटर है भाई ये BS6 स्प्लेंडर गाड़ी के। अब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं यार BS6 गाड़ी स्प्लेंडर का मीटर जो है वो मेरी नॉर्मल वाली स्प्लेंडर में लगेगा नहीं लगेगा, उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं, वो डाउट भी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। अब ये जो मीटर है ये आप तक कैसे पहुंचेगा ये भी आपको बता देंगे, कितने का पहुंचेगा ये भी आपको बता देंगे, और साथ में ये जो डिजिटल मीटर है ये BS6 गाड़ी का है। देखो अभी दिल्ली में प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ, दुनिया भर के यहाँ BS6 स्प्लेंडर के मीटर रखे हुए हैं एक्सटेक के। एक मीटर ये रहा, एक ये रहा, ठीक है अपना, एक ये रहा इस तरीके से, ठीक है भाई। और देखो ये, देखो ये, देखो भाई, तो ये मतलब, और हाँ एक चीज़ और, ये एंटॉर्क का मीटर है, ये देखो ये रहा एंटॉर्क का मीटर। एंटॉर्क का तो नाम आपने सुना ही है, TVS जुपिटर और एंटॉर्क आजकल न्यू मॉडल का, एक्सट्रीम न्यू मॉडल का। देखो ये रहा, ये एक्सट्रीम न्यू मॉडल का है, ये देखो ये रहा, ठीक है। और ये देखो हमारा, ये है एक्सपल्स गाड़ी का। तो नदीम भाई क्या कहते हो, सबसे पहले मैं आपको मीटर को चालू करके दिखाता हूं एक एक करके। तो नदीम भाई मैं इसको सबसे पहले इसको चालू करा के दिखा दूँ, मैं सबसे पहले इसको चालू कर दिखाओ जरा कैसे चल रहा है ये, इसके बाद आएगा असली मजा। ये देखो मैं दिखाता हूँ प्रॉपर चालू करा के, यहाँ पर चालू करने का भी सिस्टम है, सारा सिस्टम है। देखो ये, देखो पूरा मीटर एकदम ओके है। अब ये है हमारी एक्सपल्स जो गाड़ी है ना उसका मीटर है, ये है एक्सपल्स का मीटर, चालू हो गया फर्स्ट क्लास, इसकी रीडिंग वीडिंग सब आ रही है। ये मीटर नदी में अगर कोई खरीदता है तो कितने का होगा तकरीबन भाई? नया मीटर तो तकरीबन ये जो है 6000 रुपए का है राजवीर भाई, नया मीटर 6000 के आसपास का, और अपने पास कितने का पड़ेगा? अपने पास पड़ जाएगा 2000-2500 रुपए के बीच में तकरीबन, मतलब मान लो 2000 के आसपास का आपको मीटर पड़ जाएगा। कोरियर करोगे या थोड़ा बहुत इधर उधर लगी जाता है, 2500 से नीचे जाएगा मीटर पड़ जाएगा। बाकी भाई अगर आप BS6 स्प्लेंडर गाड़ी के मीटर की आपको अंदर एक्साइटमेंट हो रही है वो भी उसी पे आ रहे हैं भाई, दो मिनट दे दो बस, उसके बाद एंटॉर्क का दिखाते हैं आपको। किसी भी गाड़ी है अगर आपके पास, कोई भी मोटरसाइकिल है, कैसी भी स्पोर्ट्स बाइक हो या फिर नॉर्मल बाइक हो, या आपके पास मोटरसाइकिल छोड़ो आपके पास कार भी है ना, उसका मीटर ख़राब हो गया है तो वो भी यहाँ रिपेयर भी हो जाता है और आपको दूसरा मिल भी जाएगा। बट मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके पास कोई मीटर है और वो ख़राब हो गया, सही से काम नहीं कर रहा, या डिस्प्ले टूट गई, या पानी चले गया, डैमेज हो गया, तो आप यहाँ पर अपनी मीटर को रिपेयर करने के लिए भेज सकते हो। कोरियर के लिए एड्रेस कर सकते, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो कोरियर कर सकते हो, दिल्ली में रहते हो तो रिपेयर करा सकते हो। अच्छा मीटर नदीम भाई, हैंड टू हैंड रिपेयर हो जाता है क्या? हैंड टू हैंड रिपेयर हो जाता है सर। जैसे मान लो कोई बंदा राजस्थान का है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान से कोई बंदा आपको मीटर भेजता है, तो जैसे मान लो आज आपके पास मीटर आया कोरियर होके, तो आप इसको आज ही भेज दोगे कोरियर करके? अगले दिन यही करता हूँ कि जिस दिन मेरे पास मीटर आया उसी दिन रिपेयर करके अगले दिन या उसी दिन लगा दूँ, कोशिश मेरी यही रहती है हमेशा। बिल्कुल भाई, एक चीज़ और बता दूँ, ये देखो इनकी दुकान है, इस टाइप पूरी दुकान, इस पूरी दुकान में ये मत सोचना आप छोटी सी दुकान है भाई, बहुत बड़ी दुकान इनकी, पीछे वजीराबाद में भी है, और उसके अलावा एक गोदाम भी इनका बहुत अच्छा है जिनमें मीटर दुनिया भर के रख रखे हैं। क्योंकि भाई देखो, स्पेयर पार्ट्स अगर आपके पास ना हो ना तो काम करने में मज़ा नहीं आता, और अगर आपके पास स्पेयर पार्ट्स हो तो काम करने में भरपूर मज़ा आता, क्योंकि कस्टमर को हम ना का वर्ड यूज़ नहीं करते, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो अच्छा मीटर में मैं आपको पास से दिखाऊंगा कितने फ्रेश मीटर है, यहाँ बाद में सोचो पुराने मीटर है ये है वो है। देखो भाई थोड़ा बहुत होता है ना, बोरे में लद के आते हैं तो उसमें क्या होता है, हल्का फुल्का स्क्रैचेस आ ही जाते हैं, बट अगर बात की जाए मीटर की तो पॉलिश वगैरह मारोगे ना एकदम फ्रेश हो जाएगा। पर यार वो वाला सीन है, देखो हम आपके वीडियो बना रहे हैं, हम चाहते तो उस पर पॉलिश भी मार देते थे और चमका भी देते, इसके ऊपर हमने ऐसा नहीं किया, हम आपको पूरा प्रॉपर रॉ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारा मीटर चालू हो गया, नदीम भाई मीटर चालू करो, ये देखो प्रॉपर चालू हो गया, एंटॉर्क का पूरा मीटर आ रहा है और इसके अंदर। अच्छा नदीम भाई, जैसे ये मीटर पूरा ओके है, ठीक है, कोई आपसे खरीदता है मीटर तो इसको, मीटर को आप देते कितना का हो ये एंटॉर्क गाड़ी का? इंटॉक का मैं देता हूँ तकरीबन 1600 रुपये का मीटर। 1600 का पूरा मीटर एक्सचेंज मिलता है या फिर मीटर मीटर मिलता है? नहीं एक्सचेंज में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी तो यही कोशिश मेरी यही रहती है। अच्छा नदीम भाई, जैसे मान के चलो कोई बंदा मीटर आपसे लेना चाहता है और उसके पास मीटर पुराना नहीं है, तो आप उसको कितना, 1600 का दोगे? 1800 का। 1800-1600 का, मतलब आपके पास अगर मीटर है पुराना और वो एक्सचेंज कर रहे हो तो 1600-1500 का मिल जाएगा, और आपके पास एंटॉर्क का ही होना चाहिए भाई, ऐसा ना हो आप स्प्लेंडर का मीटर पकड़ा रहे हो एंटॉर्क का मांग रहे हो। पल्सर का सस्ता है, पल्सर का देते सस्ते 1200-1400 ऐसे रेट रहते हैं, पल्सर का 1200-1400 का मीटर रेट है, आधे रेट है, मतलब अच्छा अच्छा आधे रेट होगा ना, 2500 का आ रहा पल्सर का मीटर हमारे, आधे रेट है। नहीं मैं कॉल आ रही है आपकी, अच्छा चलो कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा 1800-1600-1500-2000 ये बताओ जो सबसे महंगा मीटर वो कौन सी गाड़ी का 2000 से जो रेंज में आता हो, जो है सबसे जो आपके पास मिलेगा 2000 का? मोजो गाड़ी का महंगा मीटर मिलता है। अच्छा KTM 390 एडवेंचर हो गई, 200 का भी महंगा है मीटर, कितने का होगा आपके पास?
भाई मेरे पास तो 4000 रुपए का मीटर है। और वैसे कंपनी में कितने का आ रहा है? कंपनी में तो 7.5-8 हजार रुपए का। मतलब ये कि कंपनी में जितने का होगा उससे आधे से भी कम दाम का आपको मिल जाएगा आपके पास। बिल्कुल। देखो भाई, अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है उसका मीटर आपको नहीं मिल रहा है और वो मीटर कंपनी में आपका 3000 रुपए का है, तो यहाँ पर आपको 14-15 सौ का आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, मिल जाएगा। और अगर वो कंपनी में 10000 रुपए का है तो यहाँ पर आपको 4.5-5 हजार का, आधे रेट होगा, आधे रेट से भी कम में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी गारंटी की बात आती है, आपको मन में डाउट होगा गारंटी को लेकर, यदि मैं गारंटी का क्या सीन है? देखो जो टूट फूट की राजवीर भाई कोई गारंटी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, पानी जाने की कोई गारंटी नहीं होती। बाकी अगर इन दोनों चीज़ें सही हो रहती हैं उसके अलावा कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए हमारे 3-4 महीने की हमारी पूरी गारंटी होती है, पूरी वारंटी। बाकी तो जैसे बात बताऊँ, जैसे ये चालू मीटर आप भेज रहे हो, बाई चांस कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं लेदर पदर होके चाहते हैं मीटर कुरियर होके और वो मीटर उसका चालू नहीं हुआ, तो इसकी गारंटी होती है? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये भाई एक अच्छी बात है। अब नदीम भाई एक काम करते हैं, हम अपनी BS6 स्प्लेंडर गाड़ी का मीटर चालू कर दिखाते हैं। तो BS6 स्प्लेंडर की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। बिल्कुल। तो देखो इसका पॉकेट भी लगा हुआ है, सॉकेट जो होता है वो भी लगा हुआ है, और इसका मीटर देखो कितना प्रॉपर फ्रेश एकदम। ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो पूरा फ्रेश मीटर है, देख रहा हूँ। ये देखो ये पीछे हमने सॉकेट दूसरा लगा रखा है और ये मीटर आपको ये पूरा कंप्लीट, इसको देखो स्टिकर भी लगा बारकोड वाला। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये लोकल या चाइनीज मीटर नहीं है, ये ओरिजिनल TVS के या ओरिजिनल हीरो के मीटर है। कोई भी बंदा लोकल साबित नहीं कर सकता है ना, मैं सही कह रहा हूं? नहीं कर सकता, बिल्कुल ओरिजिनल मीटर है, बिल्कुल ओरिजिनल। और एक और एक्साइटमेंट वाली बात है यहाँ पर जो मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के अंदर, सबसे पहले इसको चालू कर दिखाते हैं ना जी, मैं चालू कर दिखाना इसको। तो ये देखो तार का जुगाड़ हो रहा है भाई, यही सॉकेट हमने बनाए हैं ओल्ड में लगाने के लिए। अच्छा, ओल्ड वाले का भी मैं बताऊंगा इसमें ओल्ड वाली में कैसे करते हैं। ये देखो भाई चालू हो गया स्प्लेंडर गाड़ी BS6 का मीटर। ये देखो ये पूरी लाइटें वाइटें सब आ गई हैं। अब ये पूरे कनेक्शन A to Z जो कनेक्शन आएंगे वो बाइक में ही आएंगे भाई, जो आएंगे। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपको ये वाला मीटर अपनी पुरानी वाली स्प्लेंडर में लगवाना है, भाई देखो पीछे आवाज़ आ रही है तो इस चीज़ में थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको लगता है आपको पुरानी वाली स्प्लेंडर में ये मीटर लगाना है तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये और पूछता हूँ नदीम भाई। हमारे जो हेडलाइट का फ्रेम है वो तो कॉमन सी बात है, चेंज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वायरिंग में क्या हो सकता है? वायरिंग में मैं आपको एक सॉकेट बना के दूंगा जिसमें आपको मैं सारा तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, कि किस तरह से कौन सी लाइट जलेगी और कौन सी वायर से मीटर ऑन ऑफ होगा और स्पीड चलेगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप मेरे पास आना हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं कर दूंगा आप सारा। अच्छा, मतलब ये कि अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप मीटर को रिपेयर को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानकारी लेना चाहते हो तो आप ये मीटर खरीदने पर पूछ सकते हो भाई वायर कैसे क्या कैसे लगानी है, और अपनी बाइक भी ला सकते हो, ठीक है। आपकी बाइक जब यहाँ पर आएगी तो उसकी रिपेयरिंग जो लगेगी वो लगेगी और उसका कुछ चार्ज लगेगा फिटिंग करने का, है ना भाई? अगर कोई बंदा इसको फिटिंग कराता है, फ्रेमिंग वरिंग में सब वो छो रखी है, बस वो वायरिंग का कनेक्शन आपसे कराना चाहता है, तो कितना चार्ज होगा उसका? 500 रुपये लूंगा मैं इसका। 500 रुपये भाई लगेंगे भाई, कॉमन सी बात है, लगेंगे। अच्छा एक बात और बताऊँ नदीम भाई, जैसे कि बात करते हैं पैसे की, तो कितने तक का होगा ये? ये मीटर तो वैसे कंपनी में तो बहुत महंगा है, बाकी मैं तकरीबन 2000 रुपये का दे दूंगा आपको मीटर। भाई आपको ये मीटर 2000 रुपये का मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है यार। ये मीटर 2000, सबसे बड़ी बात जेनुइन मीटर है यार ये। देख रहे हो एकदम मक्खन, एकदम मीटर जेनुइन है भाई, देख रहा हूँ एकदम मस्त। तो पीछे हमारे और भी भाई हमारे देख रहे हैं, बहुत सारी भीड़ रुकी है, तो ये मीटर सब देख रहे हैं, मीटर मीटर भाई मीटर। ये वाला जो मीटर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका रीज़न एक ही है, एक तो डिस्प्ले बहुत अच्छी लग रही है इसकी, प्यारी सी, अगर इसमें थोड़ा और कलर वाला कर देते ना। एक चीज़ हो रहा है, हाँ जी राजवीर भाई, इसमें ब्लू कलर भी दे दूंगा आपको मैं, रेड भी दे दूंगा आपको। हैं, अरे ये क्या बात हूँ आपको, हैं, हाँ जी, मतलब कोई सा भी कलर इसमें मिल जाएगा आपको, चाहे वो कंपनी ने बनाया हो ना बनाया हो, ना हो कोई दिक्कत, हम अपना बना देंगे कलर। अरे वाह, अगर मान के चलो आपके पास एक स्प्लेंडर गाड़ी है, BS6 ही है और उसका मीटर की लाइट चेंज आप कराना चाहते हो तो आप लाइट भी चेंज करा सकते हो यहाँ पर। अच्छा नदीम, ये लाइट का जो खर्चा है वो कितना पड़ेगा? भाई देखो लाइट का राजवीर भाई 500 रुपये लेता हूँ मैं, लाइट कोई सी भी चेंज करा लो 500 रुपये में खर्चा होगा। 500 रुपये में आप मीटर की लाइट चेंज करा सकते हो कोई सी भी। अच्छा कोई सी भी मोटरसाइकिल? अरे वाह, पर डिजिटल मीटर होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मीटर नहीं होगा तो फिर यार लाइट चेंज कराने होगी नहीं चेंज, है ना? बिल्कुल। अच्छा वो जो लाइट आप चेंज करो उसकी गारंटी वारंटी होगी? पूरी गारंटी है, कोई शिकायत नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं आएगी अभी तक नहीं। अरे बिल्कुल भाई बढ़िया, आप पांच छह गाड़ी की चेंज कराना भाई, मेरा बड़ा मन है पांच छह का चेंज कराने का। अच्छा नदीम भाई एक बात और बताओ, जैसे दुकान आपने कब खुलती है अपनी? जी मेरी दुकान थोड़ी लेट खुलती है राजवीर भाई, जरा दूर से आता भाई, ये दूर से आता है बिल्कुल दुकान होती है। और बंद कब होती है? 8:30 बजे। 8:30 बजे दुकान बढ़ाने का टाइम है, और 11:30 बजे मेरी दुकान ओपन होती है। 11:30-11 बजे अपनी दुकान जो है ओपन हो जाती है, बढ़ाने का टाइम है माना ना 11 बजे, ये 8:30-8:30 बजे। अच्छा एक बात और, मंगलवार को दुकान बंद रहती खुलती है? नहीं, मंगलवार को भी अब खोलने लगा मैं दुकान। मकान पूरे दिन खुलती है? हाफ डे खुलती है। अच्छा नदीम भाई एक बात और बताओ, जैसे मान लो मीटर जो है, चलो मैं ही बता देता हूँ, जैसे मान लो आपको कोई मीटर मंगाना है, आप केरला साइड में रहते हो, तो भाई आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये कोई कंपनी या वेबसाइट खोल के नहीं बैठे यहाँ पर हम, आपको थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। वीडियो देख रहे हो भाई, इतनी सारी वीडियो में डाल रखी है, तो मेरे पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। अगर आप इस चीज़ के पैसे देते हो
तो आपको ये पहले पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके अलावा ये और भी बहुत सारी मीटर से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है नदीम भाई की, और ये लो एक्सपल्स का भी चालू हो गया भाई मीटर, ये सॉरी एक्सट्रीम न्यू मॉडल का। तो ये भाई हमारा मीटर चालू हो गया, ये देखो यार हो ये दिक्कत दे रहा है, ये नखरे खा रहा भाई, नखरे नखरे कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, चलो इसको फिर कभी आराम से वीडियो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये जो BS6 स्प्लेंडर गाड़ी का मीटर था, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए स्प्लेंडर गाड़ी में फिट करने की, तो एक बार मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप नदीम भाई के पास आना चाहते हो मीटर रिपेयर कराने के लिए, तो एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसमें जाके क्लिक कर सकते हो। सिर्फ लोकेशन अपने आप जीमेल जो आपको गूगल मैप ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, और आप आ सकते हो। और एक बात और बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ को लेकर बहुत सावधान रहना पड़ेगा आपको, अगर आप इस पूरे एरिया में आते हो तो आप याद रखना, आप अगर नदीम भाई बोलते हो नदीम भाई के पास जाना, तो वो बंदे आपके पास भेजेंगे ही नहीं इनकी दुकान पर। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना इस बोर्ड का, दिखाना भाई बोर्ड दिखाना कैमरे पर, ये देखो ये रहा बोर्ड आपका दुकान नंबर 132, और ये बोर्ड ऐसे टंगा हुआ है, इस बोर्ड को देखना है आपको, यही बोर्ड है, और ये जो है नदीम भाई हमारे मिलेंगे, देखो ये नदीम भाई, अरे भाई तो ये नदीम भाई हमारे मिलेंगे। अगर यहाँ पर ये दुकान पे बैठे हुए हैं तो ठीक है काम कराओ, नहीं बैठे हुए हैं तो अली भाई मिलेंगे हमारे, हमने काफ़ी वीडियो में डाल रखा है अपनी वीडियो में। अगर ये इन दो के अलावा कोई और मिलता है तो काम मत कराओ भाई आप, सीखिए बस ये बात है। और एड्रेस को देखो समझो, ठीक है, क्योंकि करंट लोकेशन में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा हो गया, चलो, अरे वाह क्या बात है। तो ये देखो भाई ये चालू भी हो गया, ये देखो प्रॉपरली चालू हो चुका है भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके बताना, और एक लाइक जरूर कर देना, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और एक बात और, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना जो स्प्लेंडर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि स्प्लेंडर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव हो सकता है, एक्सपेरिमेंट वीडियो भी बना सकते हैं। इस वीडियो को चाहिए या नहीं चाहिए एक बार कमेंट करके बताना, ज़्यादा कमेंट होंगी जल्दी आएगी वीडियो, कम कमेंट होंगी तो भाई टाइम लगेगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।